नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बिहारवासियों को रक्षाबंधन की बधाई। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्यार और स्नेह का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। बिहार सरकार भी महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सभी को महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्प लेना चाहिए। वहीं राज्यपाल फागू चौहान ने बिहारवासियों के साथ देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आज का दिन भाई बहन के पवित्र और प्रगाढ़ प्रेम का प्रतीक है। यह सामाजिक सद्भावना, शांति और प्रेम की अनुपम प्रेरणा देता है। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्वास जताया है कि भारतीय संस्कृति के इस अनूठे पर्व के सफल आयोजन से सामाजिक समरसता, नारी सम्मान और राष्ट्रीय एकता की भावना सशक्त होगी। पटना में अब घर बैठे बैठे होगा कोविड-19 जांच। बिहार में कोविड-19 बढ़ते संक्रमण के बीच अब सरकार ने एक और सुविधा दे दी है। कोविड-19 टेस्ट को लेकर हो रही परेशानी के बीच अब सरकार ने यह सुविधा दी है कि लोग घर पर ही अपना कोविड-19 जांच करवा सकते हैं। निजी पैथ लैब 2800 रुपए में घर में कोरोना इलाज के लिए सैंपल लेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि इस लैब स्टाफ का सैंपल लेने के लिए पीपीई किट पहनकर ही जाना होगा। कोविड-19 जांच की सुविधा से आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 33,619 सैंपल की जांच की गई है। इसके साथ ही अब तक राज्य में 6,12,415 सैंपल की कोविड-19 जांच की जा चुकी है। मौसम विभाग ने 48 घंटे में पटना समेत कई जिलों में बारिश की जताई संभावना। बिहार में एक बार फिर से अच्छी बारिश की झलक देखने के आसार बन रहे हैं। लगातार उमस भरी गर्मी से जल्द ही पटना के लोगों को राहत मिल सकती है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 5 अगस्त से फिर से अच्छी बारिश के आसार देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अभी तक सामान्य से 44% अधिक यानी कि 776 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पटना के सिटी एसपी को मुंबई में जबरदस्ती क्वारंटाइन किए जाने पर दी अपनी प्रतिक्रिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले की तहकीकात करने के लिए पटना से भेजे गए सिटी एसपी को मुंबई में जबरदस्ती क्वारंटाइन में डाल दिया गया है, जिसकी जानकारी खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हम वहां के अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग स्तर पर बातचीत भी हो रही है और इसमें मेरे पास कुछ नहीं बोलने के लिए बचा है। मुंबई पुलिस को सिटी एसपी की मदद करनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय उन्होंने उन्हें जबरदस्ती क्वारंटाइन में डाल दिया है, जिसके बाद अब मुंबई पुलिस पर भी तरह तरह के सवाल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस के खिलाफ जांच में सहयोग न करने की बात भी कही जा रही है। बिहार में कोविड-19 को लेकर संक्रमित परिवारों के छात्रों के लिए हुआ आयोजन। बिहार में कोविड-19 को लेकर आज बड़ी खबर सामने आई है। स्कूल में संक्रमण परिवारों के छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं और अलग से परीक्षाओं की व्यवस्था करने का आदेश जारी कर दिया गया है। पटना के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने स्कूल प्रबंधन को इस कार्य की जिम्मेदारी दे दी है। कमिश्नर के निर्देश में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 के माहौल में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे स्कूली छात्र अगर नेटवर्क की समस्या की वजह से ऑनलाइन परीक्षा से वंचित रह गए हैं तो उन्हें भी फिर से मौका दिया जाए, जिसके तहत यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोविड-19 संक्रमण के दौर में अगर छात्र परिवार में संक्रमण की वजह से ऑनलाइन नहीं आ सकता या परीक्षा नहीं दे सकता है तो उन्हें अलग से व्यवस्था करनी होगी। साथ ही खराब इंटरनेट नेटवर्क की वजह से भी किसी छात्र की पढ़ाई या परीक्षा बाधित नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से 3 बार बात करेंगे डॉक्टर। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों से 3 बार बात करने वाली है और उनके स्वास्थ्य की जानकारी देखने वाली है। इसके लिए अब सभी डॉक्टर होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को सुबह, दोपहर और रात को हर एक दिन फोन करके कॉल करेंगे और फिर साथ में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बात की जानकारी भी दे दी है और बताया है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले राज्यों के कोविड-19 मरीजों को दिन भर में 3 बार कंट्रोल रूम से फोन किया जाएगा और उनसे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी ली जाएगी। जानकारी के अनुसार सुबह, दोपहर और रात में कुल 3 बार फोन करके मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। गंभीर स्थिति की जानकारी अगर हुई तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी ताकि बेहतर तरीके से इलाज करवाया जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में 92% मरीज होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करवा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में एनसीसी और स्काउट गाइड में नहीं होंगे शामिल। 15 अगस्त को गांधी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार पहले की तरह झांकियां और भव्य आयोजन नहीं देखा जाएगा, मगर सामान्य तौर पर कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाएगा। इस समारोह में लगभग 1000 लोग हिस्सा लेंगे। सभी को मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। वहीं झंडा फहराने के दौरान ठीक पश्चिमी इलाके में हर साल की तरह वीवीआईपी मेहमानों के बैठने के लिए पंडाल बन रहा है, जहां पर महज 400 से 450 कुर्सियां लगाई गई। हर साल पंडाल की क्षमता करीब 2000 की होती है, मगर इस बार कोविड-19 के माहौल को देखते हुए 400 से 450 लोगों के आयोजन का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही साफ तौर पर बताया गया है कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में परेड की सलामी होगी मगर झांकियां नहीं निकाली जाएगी। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाइव कार्यक्रम का प्रसारण भी किया जाएगा। 10 अगस्त तक मेधा सॉफ्ट पोर्टल को खोले जाने का जारी किया गया आदेश। स्कूली छात्रों को पोशाक, छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक और मौका दिया है। 3 से 10 अगस्त तक एक बार फिर से मेधा सॉफ्ट पोर्टल खोलने का फैसला सुनाया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार 2019 में कक्षा में 75% से अधिक उपस्थित के चिन्हित करने के लिए प्रधानाचार्य को मेधा सॉफ्ट में फीड करना है। मेधा सॉफ्ट में हाँ या नहीं फीड नहीं करने वाले स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रभारी पर सख्ती दिखाई जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर सचिव सह डीवीडी नोडल पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज दिया है। मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों की दुकान को 3 दिन के लिए किया जाएगा बंद। अनलॉक 3 में शर्तों के साथ दुकान खोलने की छूट दे दी गई है। दुकानों में बिना मास्क के दुकानदार या ग्राहक अगर पाए गए तो 3 दिनों के लिए दुकान बंद करने का फैसला सुनाया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया है कि जिला प्रशासन को गठित धावा दल के माध्यम से दुकानों में छापेमारी करने का निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने और ग्राहकों से करवाने में विफल रहने वाले शोरूम, दुकानों और रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दिया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने यह भी कहा है कि निगम क्षेत्र में इस कैंपेन के लिए कुल 12 गाड़ियां लगाई गई है। गाड़ियों की मदद से अब सभी को अस्पताल, दवा दुकान, रेलवे स्टेशन और ऑटो स्टैंड आदि के आसपास विशेष तौर पर सैनिटाइजेशन करवाने, कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य भीड़भाड़ वाले जगह पर सैनिटाइजेशन करवाने का काम सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती और कमला सहित उत्तर बिहार की कई नदियां लाल निशान के ऊपर। बिहार के कई जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ की परिस्थिति और ज्यादा बढ़ा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा और सीतामढ़ी सहित 15 जिले बाढ़ की चपेट में देखे गए हैं। वहीं अब मिली जानकारी के अनुसार गंगा, महानंदा, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी सहित उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर देखने को मिल रही है। यह नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है, इससे लोगों में घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। वहीं कुछ नदियां लाल निशान के नीचे भी बह रही है, लेकिन उनके जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर साहिबगंज में लाल निशान से 8 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं घाघरा नदी का जलस्तर दरौली में लाल निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर है। गंडक नदी का जलस्तर डुमरिया घाट में लाल निशान से 122 मीटर ऊपर है। वहीं बूढ़ी गंडक का जलस्तर रोसरा में 387 सेंटीमीटर ऊपर है। बिहार में कोविड-19 संक्रमण के चलते 10 अगस्त तक सभी कोर्ट को किया गया बंद। कोविड-19 के लगातार बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने एक सप्ताह के लिए न्यायिक कार्य को पूरा तरीके से बंद करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडे की तरफ से सूबे के सभी जिला और सेशन जज को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। जारी किए गए पत्र के अनुसार पटना सहित सूबे के सभी जिले के सेशन और अनुमंडलीय कोर्ट को 10 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोर्ट में केवल रिलीज और रिमांड करने की जरूरी कार्य न्यायिक दंडाधिकारी अपने आवास में करेंगे और कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को देखते हुए 13 जुलाई से वर्चुअल कोर्ट में जमानत अर्जी को लेकर भी हो रही सुनवाई को बंद कर दिया गया था। पटना सिविल कोर्ट में 2 कर्मचारी, 3 सुरक्षाकर्मी, गार्ड और 1 अधिवक्ता जांच में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। बाढ़ की वजह से 14 जिले के 113 प्रखंड की लगभग 54 लाख आबादी है प्रभावित। बिहार में बाढ़ की वजह से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य के और 16 पंचायतों को प्रभावित किया गया है। इस तरह 14 जिले के 113 प्रखंडों की 1,059 पंचायतें बाढ़ की वजह से प्रभावित नजर आ रही है। वहीं रविवार की शाम तक 24 घंटे में प्रभावित लोगों की संख्या 49 लाख से बढ़कर 53,70,000 पर पहुंच गई है। वहीं जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से साझा की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राहत और बचाव कार्य के लिए 20 NDRF की टीम को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित परिवार के खाते में 6,000 की सहायता राशि भेज दी गई है। वहीं बाढ़ की लगातार बढ़ रही समस्या को देखते हुए NDRF की 2 और टीमें बिहार आई हैं। बाढ़ से निपटने के लिए वाराणसी से NDRF की 2 और टीमें रविवार को पटना पहुंची हैं। इनमें से एक को समस्तीपुर और दूसरी टीम को वैशाली में तैनात किया गया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने NDA पर उठाए सवाल। बिहार कांग्रेस प्रभारी और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार के लोग कोविड-19 और बाढ़ के बढ़ते असर के कारण परेशान है। वहीं भाजपा जदयू की सरकार को लोगों को नहीं सिर्फ चुनाव की चिंता है, एनडीए में ही चुनाव को लेकर एक राय की स्थिति देखने में नहीं मिल रही है। एनडीए में शामिल लोजपा के चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में चुनाव नहीं होना चाहिए। भाजपा कुछ और कहती है और जदयू कुछ और कहती है। हम भी समय पर चुनाव चाहते हैं। लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है मगर आवाम की जिंदगी से ज्यादा नहीं। यही परंपरागत तरीके से चुनाव करा सकते हैं। वहीं कोविड-19 फैलने की चिंता कर सकते हैं तो समय पर चुनाव होना चाहिए। बिहार में जनता बदलाव चाहती है मगर फर्जी चुनाव नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन के मौके पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने किया एक इमोशनल पोस्ट। सुशांत सिंह राजपूत के गए हुए 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। वहीं आज राखी के शुभ अवसर पर उनकी बहन ने उनको याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसके तहत उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा है कि लौट आओ सुशांत भैया, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आपको बता दें सुशांत की बहन अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर मुहिम चला रही है। रक्षाबंधन के दिन जो बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती है, उस दिन श्वेता सिंह कीर्ति सिंह का दर्द छलक आया है। वहीं श्वेता कीर्ति सिंह ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की गुहार भी लगाई थी।
सचिन तेंदुलकर की बचपन की तस्वीर सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रेंड। फ्रेंडशिप डे के अवसर पर सचिन तेंदुलकर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। यह तस्वीर सचिन तेंदुलकर ने खुद शेयर की है। उन्होंने तस्वीर के साथ अपने मित्रों के लिए एक मैसेज भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मित्रता क्रिकेट मैदान में लगे फ्लड लाइट्स की तरह होती है। अभी आपकी सफलता पर आनंदित होते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि आप मुश्किल वक्त में हैं, तो वो आपकी तरह हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए हर दिन मित्रता दिवस है। वहीं सचिन की तरफ से शेयर की गई तस्वीर में सचिन तेंदुलकर एक पेड़ पर चढ़े नजर दिखाई दे रहे हैं। वहीं तस्वीर में उनके अलावा उनके 5 अन्य मित्रों को भी देखा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मुंबई पुलिस द्वारा बिहार के सिटी एसपी को जबरदस्ती 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजने का फैसला कितना सही है कितना नहीं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।